हमारा मदीना लिख दे ताजदारे हरम हो निगाहे करो रोकन ताजदारे हरम हो निगाहे करो हम गरीबों के दिल रे कहां संवर जाएंगे ताजदारे नाज़रीन इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान हमारे मान में आपको एक दफा फिर खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आसिफ अली और साकिब अली साबरी ब्रादरान का शुक्र अदा करूँ, क्या खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, मौला आपको सलामत रखे, बहुत ही खूबसूरत कलाम था। क्योंकि आए हम डायरेक्ट कवाली से तो आपका तारुफ नहीं हो पाया था उस वक्त, और इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब हमारे लिए बहुत ही मोहतरम, हमेशा बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, और जब किसी मसले में हम फंसते हैं या किसी कोई भी ऐसा हो, वैसे तो वो शहरी तौर पे बहुत ही खूबसूरत, लेकिन जब मैं खुद पर्सनली किसी तो मैं ज़रूर शहरयार भाई को फ़ोन करती हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ शहरयार दाऊद साहब, आपको यहाँ
हमारे साथ पिछली भी ट्रांसमिशन में रहे, लेकिन हमेशा इनका होना हमारी ट्रांसमिशन को एक खूबसूरती की बाइस रखता। मुझे तो लगता सेट मेरा भरा भरा सा हो गया और खूबसूरत हो गया। थैंक यू शहरयार भाई। और हमारे साथ हमारे खानों पे नजर रखने के लिए, हमारे पेटों को चेक करने के लिए क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, उफेरानी साहब मौजूद है जनाब। वैसे तो ये माशाल्लाह से खुद अपने आप को इतना इन्होंने फिट रखा हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट है, अपने खाने का बहुत ख्याल रखते हैं सामने को तो, लेकिन ये हमारे पे बड़ी कड़ी नजर रखती है कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो I'm sorry, आज मैंने बड़े प्यार से आपका तारुफ करवाया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा तारुफ है, लेकिन ये कि गाइड कर देती हूँ सादिया, फिर खाना पे कंट्रोल बहुत मुश्किल इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ। तो ये कि औरतें तो आराम से कर लेती हैं क्योंकि उनको खूबसूरत देखना होता है, असल जो मर्दों पे आता है ना। अच्छा उफेरा, अब वैसे मैं शेरिया भाई की तरफ जाने से पहले अब मैं बताऊँ, मर्दों में भी ये कॉन्शियस आ गई है, पैदा हो गई है। अब जुबैर भाई को देखें, मतलब हमने जब से ट्रांसमिशन अच्छा खासा वेट लूज किया है। मैं जो है नहीं, मैं असल में जो है वो वैसे भी मेरे घर वाले देख रहे हैं, मैं नॉर्मली ये जो मुरगन गिजाएं है ना, ये फास्ट फूड और ये ऑयली मैं नहीं खाता, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। अगर कंट्रोल करने शुरू करें तो आप यूज टू हो जाते हैं उन चीजों के, तो वो शुरू की चीजें होती हैं कि आप नहीं कर पा रहे, दिल चाह रहा है, लेकिन दो तीन महीने के बाद आपका खुद ही दिल, जैसे रमजान इसकी मिसाल है कि पहले दो से रोजे में आपको रोजा फील हो रहा होता है, आखिर के अशरे में आपको रोजा ही नहीं पता चलता। इनफेक्ट ईद में आपके सामने इतनी सारी चीजें रखी होती है, आपका दिल नहीं चाह रहा होता है, आपको उस दिन भी लग रहा होता है ईद के दिन क्या शायद रोजा है। हाँ, मुझे थोड़ी सी जेलसी आती है जुबैर भाई से, क्योंकि मुझे अक्सर घर पे यही कहा जाता है, पेट अंदर नहीं तो तुम घर से बाहर। वैसे घर में ये सख्ती होनी चाहिए, पेट अंदर वरना तुम घर से बाहर, वो वाला नहीं तो मोहब्बत की, देखें ये भी मोहब्बत है इसमें छुपी हुई कि आप मेरे लिए, जब मर्द कहते हैं ना कि औरत सजी संवरी हो, मेरे लिए स्मार्ट हो, तो इसी तरह औरत की भी तो ख्वाहिशात है कि भाई वो अपने ही मर्द को ही कहेगी ना ये सारी ख्वाहिशात, तो इस तरह मैं भी बड़ी फरमाइश दान से करती हूँ कि दान अपने आप को फिट रखा हुआ तो मुझे सिक्स एब्स चाहिए, कहते हैं अच्छा बेगम तो आप भी जरा पतले, मैं तो हूँ भाई, मैं 55 पे आ गया, अब क्या करूँ, कहाँ से 75 लेके भी बड़े कॉन्शियस जाते हैं। देखिए बालों का ख्याल रखें, बाल नहीं कम होने चाहिए, कम होने चाहिए तो वो वाली। लेकिन आज शहरयार भाई आपके आने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि आज की खूबसूरत रात हम सबको नसीब हुई, शबे कदर की रात, तो आज हमने गुफ्तगु ही जब शुरू की तो मैंने कहा कि रमजान की तो सारी रातें, और वैसे देखा जाए तो पूरे साल ही इबादत के लिए अल्लाह ने हमें दे दिया, अगर हम सलामत रहे तो अगले साल फिर नसीब हुआ, नहीं सलामत नहीं रहे कोई तो, ये मेरा ख्याल है कि ये वो बदनसीब होगा जिसने इस रमजान को पा के भी, और खासतौर पर इस खूबसूरत रात को पा के भी, और इसमें खुदा की रजा को ना पाया। तो मैं चाहूंगी कि इस रात की भी खूबसूरती आप अपने अल्फाज में बयान करें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी व बारिक वसल्लम। देखें ये वो रात है, बल्कि किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह से किसी नौजवान ने पूछा कि हजरत बताइए शबे कदर कौन सी है जी, इरशाद फरमाया कि तू जिस रात की कदर कर ले वही शबे कदर, वाह 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 सुभान अल्लाह, जिस रात की तूने कदर कर ली तो वही शबे कदर है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ यही होता है कि हम बस चंद चीदा रातों को या दिनों को सिलेक्ट करके उसी में इबादात को अपने ऊपर लाजिम गर्दानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अलबत्त जमहूर उलमा कराम का ये मानना है कि शबे कदर आखिरी अशरे की जो पाँच ताक रातें हैं उनमें से भी एक सेलेक्टेड जो है वो 27वीं शब, उसको शबे कदर उलमा की कसरत ने, जमहूर ने माना है, मेजॉरिटी ने। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर 27वीं शब को ख़त्मुल कुरान भी होता है तरावी में, इसके अलावा दीगर मसाजिद में बहुत अहतमाम के साथ इबादत का इंतज़ाम किया जाता है। बहरहाल ये वो रात है और ये माह मुकद्दस वो है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो जो एक अजीज बड़ी मशहूर है कि आपने मिंबर मुबारक पे कदम शरीफ रखे, फरमाया आमीन, फिर दूसरे पे फरमाया आमीन, फिर तीसरे पे फरमाया आमीन। उनमें से एक पर ये था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने साहबा किराम के इस्तफसार पर आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए जो माह रमज़ान को पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। तो मैंने कहा आमीन। फिर एक मकाम पर फरमाया कि वो शख्स हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए जो वालिदैन में से दोनों को या किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके अपने लिए मगफिरत ना कराए। तो मैंने कहा आमीन। और फिर एक और मकाम पर फरमाया कि जो मेरे मुझ पर या रसूल्ला आप पर जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। अब आपका नाम इस्मे ग्रामी सुने और आप पर दुरूद पढ़ना भूल जाए
تو فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے, تو میں نے کہا آمین. اب دیکھیں سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں اور سید الانبیاء آمین کر رہے ہیں, اب اس سے ہلاکت میں کیا شک رہ جائے؟ تو یہ ماہ مقدس ملا جس کے نفل پہ فرض کا ثواب ہے, فرض پہ 70 فرضوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اس رات کی فضیلت اس طرح آتی ہے کہ وہ جو سورہ قدر نازل ہوئی, مختصرا عرض کر دوں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, حضور نے اس کے واقعات سنائے, کہ بڑا نیک شخص تھا, بادشاہ بھی تھا وہ, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک کر کے تقریباً 1000 اس کو بیٹے دیے. وہ ہر ماہ ایک بیٹے کو تیار کرتا اور وہ کفار کے ساتھ جہاد کے لیے جایا کرتا اور خوب اس کو مال و اسباب بھی دیا کرتا, یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا. کر کے کرتے کرتے اس نے اپنے 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں مال کے ساتھ خیرات بھی کیا اور شہید بھی کیا. اس کے بعد آخر میں خود بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلا اور شہید ہو گیا. تو جب یہ واقعہ سنایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو, تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں, اس سے زیادہ عبادت گزار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو آقا علیہ السلام یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ارے اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جو جس نے 1000 مہینے عبادت, 1000 بیٹے اور 1000 کتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا, اگر وہ اس رات کو پا گیا تو انشاءاللہ العزیز وہ یقیناً اس سے زیادہ ثواب کا حقدار بن جائے گا. شرط یہ کوشش کرے اس رات کو حاصل کرنے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کیونکہ خدا بھی جانتا تھا, بے شک وہی جانتا تھا, اس کے علاوہ اور کون جاننے والا ہوگا, کہ یہ والی جو ہمارے اب جو نسل چل رہی ہے, جو قوم ہے اس وقت, یہ اتنی نفسہ نفسی کا دور آ چکا ہے زبیر بھائی, کہ اللہ میاں نے ہمیں دیکھیں پورے رمضان میں بھی نہیں کہا کہ پورے رمضان پاک رات ہیں, نہیں کہا کہ پورے رمضان میں تم لگ جاؤ, اس نے کہا پورے رمضان کے اشروں کو بانٹتا چلا گیا, رحمت کا, مغفرت کا, آخری کی 9 راتوں کو اس نے کہا پورے رمضان اگر تم عبادت نہیں کر سکے تو آخری کی 9 راتیں تو نکال سکتے ہو, اچھا آخر کی 9 راتیں بھی نہیں نکال سکتے تو آخر کی 5 راتیں نکال سکتے ہو, 5 راتیں نہیں نکال سکتے تو 27 کی شب تو نکال سکتے ہو, کہ مالک اتنا رحیم ہے ہم سب پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے, مطلب ہر بار موقع دے رہے نا بندے کو, اپنے کس طرح موقع دیے چلا جا رہا ہے کہ اب تو نے یہ نہیں کیا تو اب تو یہ کر لے, اب تو نے یہ نہیں کیا تو اب تو یہ کر لے, تو اگر اب بھی اس کا بندہ اور اس کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے میں اس رات کو بھی ضائع کر دوں اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی نہ بھیجوں, تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے اس کے امتی ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ میرے رب نے اتنی زیادہ مجھے جو کہتے ہیں نا چوائسیز دی ہیں. جناب یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم اور میں پہلے تو زبیر بھائی سے جاؤں گی. زبیر بھائی ایک ٹکٹ چل رہا تھا جو ابھی اس وقت چل ہی رہا ہے جی, یہ ایک کامران صاحب ہیں جنہوں نے لاہور سے سوال پوچھا ہے اور وہ میرے سامنے چل رہا ہے, انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ زبیر صاحب کیا غیر مسلموں کو ہم آب زمزم اور کھجور کا تحفہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں آپ, اور آپ کو بلکہ دینا چاہیے, آپ دیں اور نہ صرف دیں بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے. اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, تو آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کو یہ تحفہ بھی دیں, ان کو دین کی جو بنیادی معلومات آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں, توحید کے بارے میں بتا سکتے ہیں, ضرور بتائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کرے. تو یہ جواب تھا جی مختصر سا. اچھا یہاں ایک سوال پھر ایک چھوٹا سا میرے پاس آ گیا, ہم زبیر بھائی کہیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سوال کر کے لے کر آتی ہیں میں, کیونکہ یہ میں نے سحری میں پوچھا تھا, سحری کی ٹرانسمیشن بہت سارے لوگ اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید وہ ہو سکتا ہے اس وقت سحری کی نہ دیکھ رہے ہوں, میں اور زبیر بھائی اس وقت جو ہے ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, زبیر بھائی چلے جاتے ہیں پھر میں سحری کی ٹرانسمیشن کے لیے مجھے جانا ہوتا ہے, 1 بجے مجھے گاڑی لینے آ جاتی ہے. اب میرے پاس جو وقت ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, گھر جا کے ریسٹ کرنا, بچے کا ٹائم دینا اور تھوڑا سا خود بھی اپنی پریپریشن کر کے سحری کے لیے آ رہا, اب اس دوران میں اس طرح عبادت نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے, تو جو میرا یہ والا ٹائم ہے تو کیا اس میں میری یہ جو گفتگو ہے یا جو میں اس وقت ذکر خدا کر رہی ہوں یا آپ لوگوں سے جو بات کر رہی ہوں,
ये मेरा इबादत में काउंट होगा या मेरे दुनियावी कामों में काउंट होगा? पहली बात तो ये है कि आपको ये कैसे लगा कि आपका जो पीरियड यहाँ से जाने का, जाकर घर पहुँचने का, घर जाकर प्रिपरेशन करने का, ये सब इबादत नहीं है, ये कैसे आपने सोच लिया? मैंने अपने आप को नाकस क्यों कहा, इसलिए तो कहा। इबादत का तस्वुर इस्लाम में बहुत वसी है, इतना वसी कैनवस है कि शोहर बीवी को, बीवी शोहर को देखे मुस्कुराए, अल्लाह ताला इससे पहले दोनों की नजर पलटे अल्लाह मगफिरत फरमा देते। जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखा और नजर पलटने से पहले अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। जिसने किसी भाई को देखकर खुशी महसूस की अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। मगफिरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे फरमाता है कि वो कहते हैं ना, बस बात बात है, रहमत हक बहाना मी जुयत, रहमत हक बहाना मी जुयत, कि रहमत हक कीमत तलब नहीं करती, वो बहाना ढूंढती है कि बस किसी तरह मैं बंदे की मगफिरत कर दूं। बस बंदा इतना बदकिस्मत है कि वो अपने रब की इबादत को समझ ही नहीं सका है। अब हम जरा इर्द गिर्द मुआशरे में देखते हैं कि हम जो इबादत को तसव्वुर करते हैं वो ये है। आप देखें इबादत के लिए जो हमें पर्चे बांटे जाते हैं मसाजिद में जी, 4 रकात नफल पढ़े जी, इसके अंदर 12 मरतबा ये सूरत, 17 मरतबा ये सूरत, 21 दफा ये सूरत, ये क्या मतलब है? बुजुर्गों ने कहा है तो क्यों कहा है? क्योंकि बुजुर्ग बंदों की नेचर, उनकी साइकी को जानते थे कि यार इनको अगर हम कहेंगे जी सिर्फ 2-2 नफल पढ़ लो, 2 नफल पढ़ के नाच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना भाई, इनको अटमोस्ट मैक्सिमम मस्जिद में रोका जाए। किस तरह? मतलब वहां रुकना भी एक इबादत है। इत्काफ की नफली, इत्काफ की नियत करके सो जाए, इबादत है। इबादत वो तो, वो भी इबादत है। इशा की नमाज देखें, जिसने शबे कदर हासिल करनी है, वेरी इजी टू वे, क्या उसको फाइंड करने का इजी वे क्या है? कि इशा की नमाज जमात से पढ़े, नबी ने फरमाया उसको आधी रात की इबादत का सवाब। जिसने उसी के साथ आने वाली फजर जमात से पढ़ी, उसको जो है पूरी रात की इबादत का सवाब। इट मीन वो इशा की नमाज तरावी पढ़ के सो गया, सुबह उठ के उसने सहरी की और फजर की जमात से पढ़ ली नमाज, उसको सारी रात की इबादत, उसको कंफर्म उसको शबे कदर मिल गई। खवातीन क्या करें, उन पर तो जमात ही फर्ज नहीं। बिल्कुल। तो खवातीन भी अपने टाइम पे नमाज पढ़ें, तरावियां पढ़ें, अपने आप को गुनाहों से, यानी कि डेक बेटिंग, तुम्हारे कपड़े, वो फलानी के तो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, हाँ। वो तो देखा कितना मेकअप करके बैठी हुई थी। ये चीजें अगर छोड़ दें, इन चीजों से परहेज करते हुए अपना वक्त अगर अल्लाह की बारगाह में गुजार दें, मैं नहीं कहूंगा कि इबादत होगा, अल्लाह की बारगाह में गुजार दें, ये इनके लिए मतलब। अल्लाह ताला ने इस 10 दिनों में इत्तेकाफ जैसी इबादत भी अदा की। और देखिये ना, इत्तेकाफ में जब कोई मुत्तकिफ होता है तो उसका उठना बैठना खाना पीना हर लम्हा जो अल्लाह की राह में इबादत में लिखा जाता है। और हदीसे के रमजान मुबारक में कोई नेक अमल करता है तो उसे दोहरा सवाब मिलता है, और कोई गुनाह करता है तो उसे दोहरा अजाब मिलता है। तो हर लम्हे नेकियों का मौसम है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान जब जिन हाथों से अल्लाह की राह में कुछ देता है तो हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं, और जितने कदम वो चल कर जाता है किसी को देने के लिए तो कदम अल्लाह की राह में नेकी में लिखे जाते हैं। और अगर दिल से नियत यकीन ईमान खुशू खुजू के साथ दिल से बुराइयों को रोकने का अहद कर लेता है तो दिल की स्याही दूर हो जाती है, दिल के गुनाह माफ। रात हमें दो तरीके से बड़ी खूबसूरत है, एक 27वीं की शब है, बिल्कुल, एक जुमे की शब है। जुमे की शब की तो अपनी एक खास अहमियत है, हमेशा से कहते हैं जुमे की शब अगर नसीब हो रही है तो जुमे की शब को जाया ना होने दो। तो जुमे की जो शब है उसकी अहमियत के ऊपर भी बात मैं चाहूंगी कि करेंगे। जुमातुल विदा कहते हैं आखिर जुमा ही है। जो जुमे की शब है ना, रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अज्जुमा तो सैयदुल अय्याम, जुमा जो है दिनों का सरदार है। तो इस सरदार की जारी बात है, अगर इसको सरदार कहते तो इसकी स्पेशलिटी होगी। इसके अंदर एक साथ आम जुम्मों के, नॉट रमजान, आम जुम्मों में ये है इसकी फजीलत कि जुम्मे में एक घड़ी एक लम्हा कोई ऐसा आता है कि उस वक्त की दुआ जरूर कबूल होती है, जायज दुआ। तो उलमा कराम ने, मुहक्किकीन मुहद्दिसीन ने इसको जमा करके बताया कि असर से मगरिब के बीच का एक पीरियड है 1-1.5 घंटे का, जो इसके अंदर दुआ की जाए। रमजान की फजीलत यह है कि पूरे रमजान में अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला 10-10 लाख लोगों को जन्म से आजाद करता है। तो जो जुम्मे के दिन जो अफ्तार होती है उस एक दिन में उस पूरे हफ्ते भर के जितना क्वांटिटी टोटल बनता है उनके बराबर उस एक इफ्तार में मगफिरत होती है। तो ये जुम्मे का दिन हर हर सात में हर हर घड़ी में अल्लाह ताला 10-10 लाख ऐसे लोगों को जन्नम से आजाद करता है जो जन्नम के हकदार हो चुके होते हैं। इस रब की रहमत की तरफ हम नजर करें तो बेशुमार है। अब चूंकि जुमादुल मुबारक है, हुजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुम्मे का एहतमाम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको
جہنم کی لسٹ جہنم کی لسٹ میں سے ہٹا دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے کہ جو اہتمام کرے, مسواک کرے, غسل کرے, اچھے لباس پہنے, اچھے طریقے سے عطر وغیرہ لگائے, خوبصورت بن کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تاکہ اللہ رب العالمین, اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ فرماتا ہے میں حسن حسین ہوں اور میں حسن کو پسند کرتا ہوں, حسین اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ جو گندے سندے مندے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم تو فقیر ہیں اور نہیں حسن نہیں باطنی حسن. آپ کی بات کی طرف آتی ہوں, میں کلام کی طرف جانا چاہ رہی ہوں, پھر اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. بھائی صاحب آپ سے کلام کی گزارش. تصور میں ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ یا نبی یا نبی ایک نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, حسنین کے کٹے ہوئے جانوں کا واسطہ, عباس کے کٹے
वापस आ चुके हैं हम। अच्छा जी ये देखिए मेरे पास यहाँ दूध दुलारी तैयार है, टैंग हमने बना के रख लिया है, टैंग में से हमने चम्मच नहीं निकाला, वो मैं निकाल देती हूँ, ठीक है। और वो देखें वो आ गया हम पे नजर रखने के लिए कि आज इन्होंने कितने तली हुई चीजें खाई हैं, हैं? नहीं मैं एक्चुअली रानी अब आपा की जो कुकिंग है ना उसकी और प्रेजेंटेशन, नाहिद आपा की जो कुकिंग और प्रेजेंटेशन इसकी बहुत बड़ी फैन ऑफ इट भाई, फाउंड ऑफ इट। अच्छा जी ये आपा चुल्लू कबाब ये नॉर्मली जो है ये चावलों के साथ ही सर्व किया जाएगा, चावलों के साथ सर्व होता है और ये मेरी फरमाइश पर पराठे। हाँ ये आपकी फरमाइश, सेट पर खवातीन की तादाद ज्यादा है, आप देख लीजिए आप, ये मैं अक्सर देखता हूँ ईरानी होटलों के बाहर लिखा होता है चुल्लू कबाब, तो क्या ये चुल्लू में रख के खाया जाता है? चावल होते हैं चावल, अच्छा चुल्लू चावल कहा जाता है जी। ये मेरी चुल्लू आपने मेरे लम्बे इजाफा फरमाया बिल्कुल। और उसके साथ वो वॉल्स की आइसक्रीम और आपकी ये आपके लिए ये दूध दुलारी भी तैयार हो चुकी है, टैंग बन चुकी है, करीब आ रही है रमजान में आप लोगों ने अपना अच्छा खासा वेट लूज कर लिया है, तो आप मक्खन भी खाएं आप आइसक्रीम भी खाएं। थैंक यू फेरा, थैंक यू सो मच, इजाजत नहीं दे रही, इट्स अ बिग टॉन्ट क्या सब कुछ खाएं, नहीं नहीं बिल्कुल खाएं, कब खाएं, मेरा रवि के साथ किसी एक के लिए नहीं है ये, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके खाएंगे तो ये नहीं नुकसान करेगा। सही जनाब, और ये देखिए इसकी सजावट बड़े मजे की, और ये जब गरम गरम बनते हैं तो इसकी बात की और है, आप चाहे तो आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बना सकते हैं, पराठा रोटी कबाब बनते हैं वैसे ही, अच्छा कबाब राउंड बनते हैं और ये जरा फ्लैट कबाब बनते हैं। ओके तो एक्चुअली आपा बना रही थी आज चुल्लू कबाब विद राइस, तो ये सादिया इमाम ने जाती फरमाइश डाल के पराठे ऐड करवाए कि प्लीज ये एक अदद पराठे के साथ भी होना चाहिए, तो जनाब आपको ये डबल आइडिया मैंने दिया है, तो शाबाशी दे दीजिए इस कादे पे ऐसे ऐसे करवाइए, तो डबल आइडिया है कि आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आप यहाँ की चीजें खत्म, और जब सब कुछ गन मन फैला चुके हों अपने किचन में सारी चिकनाई से भर जाए, तो विम है ना जनाब, एक कतरा विम जो है वो आपके पूरे किचन को साफ सुथरा, आपके बर्तनों को साफ कर देता है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, और खुशबू बड़ी अच्छी है, खासकर इसकी लेमन वाली की स्मेल बहुत अच्छी है। अब मैं चलती हूँ जुबैर भाई की तरफ, बहुत ही मेरे मोहतरम मेहमान वहां मौजूद है, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद एक बड़ी प्यारी आवाज मैंने जुबैर भाई आपको सुनवानी है, बड़ी अच्छा आवाज भी प्यारी है और वो खुद देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से बच्ची अच्छा। हमारी प्यारी सी, तो उससे हम आपको मिलवाएंगे, अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं पहले, फिर हम उनकी तरफ जाएंगे। जी हम बात कर रहे थे शबे कदर के हवाले से और जुमतुल विदा के हवाले से, हम ये देखते हैं कि लैलतुल कदर जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद भी होते हैं, आप दोनों से मैं सवाल करता हूँ, पहले आपकी तरफ आता हूँ, हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं और वो इस तरह से बीमार हैं कि वो ना रोज़ा रख पा रहे हैं, ना वो उठकर खड़े होकर इबादत कर पा रहे हैं, और जाहिर है कि रमज़ान की ये साथें ये बरकतें अल्लाह ताला सभी के लिए रहमत नाजिल कर रहा है, ऐसे फिर अफराद जो हैं उनको ये एक दिल में एक खलिश से रह जाती है कि हम जो है वो इससे महरूम हो गए, जबकि ऐसा है नहीं। मैं चाहता हूँ आप उनके लिए भी बात कीजिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ज़ुबैर साहब ये नेकियों का महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गरीबों यतीमों मसाकिनों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ गमखारी और हमदर्दी का महीना है। अगर कोई शख्स हॉस्पिटल में बीमार है तो देखिए ना कि उसकी इयादत करना, उसकी दिलजोई करना और उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी करना भी इबादत से बढ़कर है। सबसे बड़ी बात है कि हमें कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में जो शख्स किसी की मुश्किल को हल करेगा, किसी को मुसीबत से निकालेगा, पूरे करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखरत में आसानियां पैदा कर देगा। ठीक है, आपने बहुत बहुत खूबसूरत सवाल किया कि वो शख्स अपने आप को महरूम समझता होगा कि शायद मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं ऐसी नहीं है, अल्लाह ताला तो सबका अल्लाह है, परवरदिगार आलम तो मेरी हमारी शहरत से भी करीब है, उसको चाहिए कि वो लेटे लेटे भी तौबा इस्तग़फ़ार तो कर सकता है, जुबान तो अल्लाह ताला ने दी है, जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र और विर्द रखे और अपने गुनाहों पर लेट कर तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, कह के अल्लाह मियाँ कुल जहान को सेहत कुली नसीब फरमा और उसके सदक़े में मुझे भी शिफा नसीब फरमा। वो जो है ना अल्लाह ताला खुद कहता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला का जिक्र हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में, और अल्लाह ताला के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान है। इसमें मुझे वो हदीस मुबारक याद आ रही है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला के सयाहीन फरिश्ते जो घूमते हैं मुख्तलिफ ज़मीन पर वो महफिलें ढूंढते हैं, बुरा होता है,
تو اللہ رب العالمین وہاں محفل میں شریک سب لوگوں کے مغفرت فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہاں اگر کوئی ایسا شخص آیا جائے جو وہاں سے ایسے گزر رہا تھا, اس کی نیت نہیں تھی اس محفل میں آنے کی, تو کیا وہ اس گزرتے ہوئے شخص نے وہ محفل دیکھ کے رکا, کیا اس کی بھی مغفرت؟ فرمایا ہاں اس کی بھی مغفرت. پھر نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھا صحابہ نے اس کی رسول اللہ وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کسی نے یہ نیت کی میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا لیکن نیند کے غلبے کے سبب وہ نہیں اٹھ سکا, اب اس کو پھر بھی اللہ تبارک نے فرما دیا فرشتوں کو اس کا تہجد کا ثواب لکھ دو کہ یہ اٹھتا تو ثواب لکھتا. اور جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتا ہے ابھی مت لکھو جب تک کہ یہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے. تو جو شخص بیمار ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو شخص بیمار ہے تو وہ اس وقت اگر, پھر یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی گناہ کسی نیکی کا ارادہ کیا اور نہ کر سکا اللہ اس کو اجر دیتا ہے. اگر یہ شخص یہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کاش میں صحت مند ہوتا, میں بھی مساجد میں جا کر اجتماعات میں شریک ہوتا, عبادات کرتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ استغفار کرتا, تو اللہ رب العالمین اس کو اس محفل میں موجود لوگوں جتنا ثواب عطا فرما دے گا اپنی رحمت سے. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جانا چاہیے, ان کی تیمارداری کرتے رہنا چاہیے, ان کو یہ چیز بتانی چاہیے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ محروم ہو, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, آپ کو اس میں سے حصہ ملے گا انشاءاللہ. مسلمانوں کی جی تو سب سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, سب سے بڑی بات تو یہ کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی کافر گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے لیکن اللہ کی رحمت, اس کے بعد پھر امت محمدی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم موجود ہیں, اس کے باوجود اگر ہم نہ اویل کریں ان تمام فیسلٹیز کو رحمتوں کو تو پھر واقعی میں صحیح بات, بہت صحیح بڑی خوش قسمتی. میں جو ہے وہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا, ابھی میں جو ہے چلتے ہیں ایک نعت کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ایک بڑی پیاری سی ننی منی سی بچی نے جوائن کیا ہے, ننی منی میری حیثیت سے میں ان کو ننی منی کہہ رہا ہوں, بہت بہت خوبصورت بہت پیاری سی سیدہ اریبہ فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ یہ بہت شرمیلی سی ہیں کیونکہ ابھی بریک پہ جب ہم تھے تو یہ ان کو سادیہ بلا رہی تھی کہ آپ قریب آئیے, تو بڑا جھجک رہی تھی, بہت زیادہ شرمیلی سی ہیں. آپ کیا سنائیں گی آج ہمیں؟ نعت سنائیں گی آپ؟ چلیں آپ بسم اللہ کیجیے. سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے, سنسار سے پہلے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے, سنسار نہیں تھا میں سرکار سے پہلے, سرکار سے پہلے رب رحمت عالم جس کہہ کہہ کے بلاتا, کہہ کہہ کے بلاتا رب رحمت عالم جس کہہ کہہ کے بلاتا, تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے, مختار سے پہلے بس ایک جھلک دیکھ لوں میں گنبد خضرا, بس ایک جھلک دیکھ لوں میں گنبد خضرا, موت نانا کبھی دیدار سے پہلے, دیدار سے پہلے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے, سنسار سے پہلے. سبحان اللہ, بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ایک تشنگی رہ گئی. تم نے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت نعت پڑھی ہے کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ تم پڑھتی جاؤ اور ہم سنتے جائیں, بہت خوبصورت. اور رسول خدا میں کہوں گی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اجر تمہیں دیں, جب ان کے حضور تم نے یہ ہدیہ پیش کیا تو جو تمہاری مراد ہے وہ
उस मुराद के सदके में हम सब की मुरादें भी बर आए, बहुत खूबसूरत पड़ी माशाल्लाह से। नसीब भी अच्छी करे। और जब हम इतनी यंग एज में बच्चों को इतनी खूबसूरती से नात पढ़ते देखते हैं तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मेरा दिल करता है कि अल्लाह मेरी भी औलाद ऐसी ही हो, किसी दिन को बैठ के इस तरह उसकी भी कोई दुआएं और तारीफें कर। मैं नात के ऊपर एक अर्ज करूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहना तो इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने नात खानी किन से सीखी, किससे सीखी? तो इरशाद फरमाया मैंने कुरान मजीद से सीखी। सुभान अल्लाह। क्योंकि नात कहना ये तलवार की धार पर चलना है, जरा बढ़ गए तो गुलू हो जाएगा, कम हो गए तो तौहीन रिसालत हो गए। इसीलिए नात हर एक का बस नहीं है। तो जो नात खान होते हैं, नात लिखते हैं, वो बहुत बड़े पुल सिरात पर होते हैं। तो अल्लाह ताला में इसकी इसी बिल्कुल इसी खूबसूरत बात से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे।